सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम अपने ड्राइंग पोर्शन को स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि अगर हमारे पास कोई 3D मॉडल है तो उसकी 2D ड्राइंग कैसे बनाई जा सकती है। तो हमारे पास एक मॉडल है जो कि मॉडल 1 है हमारे पास। इस मॉडल को हमने अक्सर अपनी प्रैक्टिस फाइल्स में बनाया था, तो इस मॉडल को अब हमें ड्राइंग्स बनानी है इसकी 2D, और इसके डिफरेंट व्यूज़ और प्रोजेक्शंस को शो करना है। तो हमने पहले इस मॉडल को ओपन कर लिया जो कि आपके एक्सरसाइज फाइल्स में अवेलेबल है, तो वहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब हमें इसकी ड्राइंग बनानी है, तो इसके लिए जाएंगे ड्राइंग मोड में, और ड्राइंग मोड में जाने के हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है, यहाँ ऊपर जाएंगे हम, इधर एरो पे क्लिक करेंगे तो आता है मेक ड्राइंग फ्रॉम दी पार्ट और असेंबली। और एक और ऑप्शन आता है हमारे पास, अगर हम इस न्यू पे क्लिक करेंगे तो थर्ड नंबर पे ऑप्शन आता है ड्राइंग, इसको सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं हम। सिमिलरली और ऑप्शन आता है हमारे पास, जैसे फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन आता है मेक ड्राइंग फ्रॉम द पार्ट, और यहाँ से कर सकते हैं ओपन। तो हमने सेलेक्ट किया यहाँ से मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट, इसको सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब हमको एक ड्राइंग की शीट को सेलेक्ट करना है कि किस साइज में और किस टाइप की शीट हमें चाहिए। तो सॉलिडवर्क्स में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्टैंडर्ड शीट्स आती हैं, जैसे इनका नाम ANSI स्टैंडर्ड के हिसाब से हैं, ISO स्टैंडर्ड है हमारे पास, DIN, JIS, BSI, जो डिफेंस स्टैंडर्ड हैं उसके हिसाब से हम ले सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई अपनी ड्राइंग फाइल शीट हो तो उसको यहाँ से कर सकते हैं ब्राउज, और उसको यहाँ से कर सकते हैं ओपन। तो जैसे मैंने यहाँ से ले ली A3 शीट, क्योंकि A3 शीट हमारे पास एक लैंडस्केप शीट होती है, बड़ी शीट, तो इसको सिलेक्ट किया मैंने। यहाँ पे इसकी साइज़ भी आती है, विड्थ और हाइट, और यहाँ से किया ओके। तो शीट यहाँ से हमारे पास शीट ओपन हो गई। तो यहाँ पे पहले आता है व्यू पैलेट, तो पैलेट को हम बाद में कंसीडर करेंगे, तो इसको कर लेते हैं हम, इसको मिनिमाइज। पहले हम जानेंगे मॉडल व्यूज़ के बारे में, तो यहाँ से कर देंगे व्यू लेआउट, और यहाँ सेलेक्ट करेंगे मॉडल व्यूज़ को। अब मॉडल व्यूज़ सेलेक्ट करने के बाद अगर हमारा कोई मॉडल ओपन है तो वह हमारे पास आ जाएगा, जैसे ड्राइंग 1 है हमारे पास, ये ओपन है। और हम कोई मॉडल को ब्राउज़ भी कर सकते हैं यहाँ से, कोई मॉडल लेन ब्राउज़ करना हो। जैसे हमारे पास मॉडल 1 है, तो ड्राइंग 1 को इसको हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आता है नेक्स्ट, इसको करेंगे क्लिक। इसके बाद आता है इसमें व्यूज़ को सिलेक्ट करना, जैसे हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट व्यूज़ आ रहे हैं, उनके नेमिंग आ रही है। यह आ रहा है फ्रंट, राइट, टॉप, बॉटम, और यहाँ पे लेफ्ट, बैक। इसके नीचे आता है कि इसकी ओरिएंटेशन कैसी चाहिए, डायमेट्रिक, ट्रिमेट्रिक। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया फ्रंट। अब अपने माउस को ले जाएंगे अपनी शीट में, तो यहाँ पे ये प्रीव्यू दिखाएगा हमारे का। जैसे फ्रंट मोड हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे करेंगे लेफ्ट क्लिक, तो यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू आ जाएगा, और लेफ्ट में हम देखेंगे यहाँ आ जाएगी प्रोजेक्टेड व्यू। अब प्रोजेक्टेड व्यू से क्या मीनिंग है कि इस फ्रंट के रेफरेंस में इसके जो प्रोजेक्शंस होती हैं, टॉप व्यू और साइड व्यू, वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में आ जाएंगी। अब जैसे इस माउस को हम ऊपर व्यू करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ये इसका टॉप व्यू दिखाएगा। यहाँ पे हम कर सकते हैं लेफ्ट क्लिक। सिमिलरली अगर हम इसको यहाँ से अपने राइट में लेके जाएंगे तो ये शो करेगा इसका साइड व्यू, और अगर हम इसको इधर इस पोजीशन में लेके जाएंगे तो ये इसका दिखाएगा आइसोमेट्रिक व्यू।
यहाँ इस तरह हम ले जा सकते हैं और यहाँ से कर सकते हैं क्लिक, और इसको कर देंगे अब यहाँ से ओके। अपने मॉडल्स को और जो ड्राइंग्स को यहाँ से जैसे हम इसको शिफ्ट करना है या फिर इसको मतलब पोजीशन चेंज करनी है, तो इसको यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं हम सेलेक्ट करके इस तरह। अब जैसे ये हमारे पास जो पेरेंट मॉडल है इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों मॉडल इससे अफेक्टेड हैं, इसको जब ड्रैग करेंगे तो ये दोनों मॉडल यहाँ से हम इसके साथ साथ रिमूव होंगे, मूव होंगे। हम हर एक मॉडल को सेपरेटली मूव कर सकते हैं, जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको मूव कर सकते हैं, बट ये खाली ओनली लेफ्ट राइट मूव होगा क्योंकि ये प्रोजेक्टेड व्यू है, और ये ओनली अप डाउन मूव होगा क्योंकि ये भी प्रोजेक्टेड व्यू है। अब जैसे मुझे किसी मॉडल में सेटिंग्स को चेंज करना है, पहले हमने लिया इसका आइसोमेट्रिक व्यू, इसको करेंगे सेलेक्ट तो लेफ्ट में आ जाएगी इसकी प्रॉपर्टी, विंडो प्रॉपर्टीज़। तो इसमें आता है जैसे किस टाइप का हमें डिस्प्ले मोड चाहिए। करेंटली जैसे हमारे पास मोड है वो है हिडन लाइंस मूव, इसको हम कर सकते हैं शेडेड व्यू। नीचे ऑप्शन आता है हमारे पास स्केलिंग का, जो कि तीन टाइप की स्केलिंग आती है, पेरेंट स्केल, शीट स्केल और कस्टम स्केल। पेरेंट स्केल से मीनिंग है जो जैसे हमारे यहाँ पे जो फ्रंट व्यू है ये हमारा पेरेंट है क्योंकि इसके रेफरेंस में हमने सारे व्यू बनाए थे, तो इसकी जो स्केलिंग होगी वही सारे बाकी व्यूज़ की स्केलिंग होगी। यहाँ पे हम कस्टम व्यू दे सकते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे व्यू जो भी हमें कस्टम स्केल देना हो, जैसे 1:2 देना है तो वो दे सकते हैं हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे हम करेंटली रखते हैं 1:1, पर ऐसे किया ओके। अब जैसे ये जो हमारा पेरेंट व्यू है, अब मैं इस पेरेंट व्यू को चेंज करना चाहता हूँ। अभी ये पेरेंट व्यू है हमारा फ्रंट व्यू, बट मुझे ये वाला राइट चाहिए यहाँ पे एज ए पेरेंट, तो हम क्या करेंगे इसको सेलेक्ट करेंगे और जैसे राइट व्यू को लेना है इसको करेंगे सेलेक्ट, तो इसमें आएगा कि इसको चेंज करने से हमारे पास बाकी व्यू भी अफेक्ट होंगे, तो हम कर देंगे यहाँ से यस। तो इसके रेफरेंस में अब ये व्यूज चेंज हो जाएंगे, इसका टॉप व्यू इस राइट व्यू के रेफरेंस में आएगा और साइड व्यू इसके रेफरेंस में। तो इस तरह हम डिफरेंट व्यूज़ डाल सकते हैं, अगर इसको फिर से अपने सही व्यू में ले आते हैं इस टाइप में। यहाँ से किया ओके। नेक्स्ट जो तो हमारे पास तरीका आता है व्यूज़ को ऐड करने का, वो आता है हमारे पास पैलेट से। तो जैसे पहले इनको करते हैं हम डिलीट, तो सेलेक्ट करा और डिलीट, तो हमें यहाँ से हम कर सकते हैं इसको ड्राइंग व्यू। तो अब आता है हमारे पास पैलेट से व्यूज़ ऐड करना, तो राइट साइड में हमारे पास ये जो विंडो आ रही है यहाँ पे, इसमें आता है व्यू पैलेट, इसको क्लिक करेंगे और पहले आता है पार्ट को ब्राउज़ करना कि कौन सा पार्ट है यहाँ पे, ड्राइंग वन सॉलिड पार्ट। अब नीचे इसमें आता है व्यूज़, फ्रंट टॉप राइट बैक लेफ्ट इस टाइप में। इन व्यूज़ को हम डायरेक्टली अपने मॉडल में ला सकते हैं, जैसे मुझे चाहिए पहले टॉप व्यू, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको करेंगे ड्रैग, तो लेफ्ट क्लिक को होल्ड रखेंगे और इसको लाएंगे ड्रैग अपने इस शीट में। और अब हम इसके प्रोजेक्टेड व्यू बना सकते हैं, जैसे इसको डाउनवर्ड लाएंगे तो इसका फ्रंट व्यू आ जाएगा, और इसी के रेफरेंस में जब यहाँ पे लाएंगे तो इसका राइट व्यू आ जाएगा, और इसको कर सकते हैं ओके। तो इस तरह हम डिफरेंट व्यूज़ को ऐड करते हैं अपने ड्राइंग मोड में।